मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पानी का टैक्स न भरने वाली इमारतों पर अब मनपा ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। मुमरा प्रभाग समिति पानी पुरवठा विभाग ने किस्मत कॉलोनी स्थित प्रकार कॉम्प्लेक्स मल्टी हाउस व अन्य इमारतों के साथ ठाकुरपाड़ा में भी कई इमारतों पर कार्रवाई की है। मनपा आयुक्त संजू जायसवाल के आदेशानुसार मुमरा कौसा परिसरों में जिन इमारतों की पानी का टैक्स 2 लाख तक बकाया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुमरा पानी पुरवठा विभाग के अधिकारी संजय वाघुले ने बताया कि किस्मत कॉलोनी स्थित इमारतों पर और ठाकुरपाड़ा में कई इमारतों पर कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई कनिष्ठ अभियंता सूरज राणे अपनी टीम के कर्मचारियों और प्लम्बरों के साथ किया है, जिसमें 20 पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं और 11 पानी के मोटर भी जब्त किए गए हैं। पानी पुरवठा विभाग के अधिकारी संजय बाघुले ने क्या बताया है। मुमरा पानी खाते की तरफ से मुमरा और कौसा में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके आदेश से हमने पानी की वसूली जिसका तलबा की है और हमने कार्रवाई शुरू कर दिया है। 2 दिन से अभी तक हमने ठाकुरपाड़ा और किस्मत पल्ली में 20 कनेक्शन खंडित कर दिए हैं और 11 मोटर हमने जब्ती करवा दिए हैं और आगे भी कार्रवाई चालू रहेगी। तो लोगों को कि हमसे एक रिक्वेस्ट है कि वो पानी का बिल तुरंत भर दीजिए ताकि कार्रवाई। सर कितने लोगों पे आज कार्रवाई हुई? सर आज हमने किस्मत पल्ले में 4 या 5 बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई किया है और 11 कनेक्शन और 10 मोटर से जब्ती किया है। और कितने ठग बाकी है सर इनके पास? हर एक बिल्डिंग से ज्यादा से हमारे पास जो लिस्ट आई है मुमरा और कौसा विभाग से 2 लाख के ऊपर हर एक बिल्डिंग में कम से कम 2 लाख और उसके आगे भी ज्यादा भी बहुत है, वो हिसाब से हमने कार्रवाई शुरू कर दी। मनपा की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि पानी का बकाया बिल जमा करें, नहीं तो कनेक्शन काट दिया जाएगा और मोटर भी जब्त कर लिए जाएंगे। वाघुले ने कहा है कि हमारी कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।